जनरल जियाउल हक ने एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट दी थी, वी विल ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। हाँ जी जी, तो उसी पॉलिसी को कहीं ना कहीं आगे लेके जाते हुए मिस्टर मुशर्रफ ने कबूला। बेसिकली भारत में जो आतंकवाद है उसके मूल में जैसे पंकज जी ने बताया, जियाउल हक की वही पॉलिसी है कि इंडिया, वी हैव टू ब्लीड इंडिया, बिकॉज पाकिस्तान जानता था कि ऑल आउट कन्वेंशनल वार में, ऑल आउट वार में तो इंडिया से 48 में वो नहीं जीत पाए, 65 में वो नहीं जीत पाए, 71 में वो नहीं जीत पाए, इवन 99 में मुशर्रफ साहब ने भी नहीं जीत पाए। तो जियाउल हक को बिल्कुल क्लियर था कि भारत जैसे, क्योंकि दोनों की जो मिलिट्री पावर्स की डिफरेंस को देखते हुए, एसिमेट्रिकल पोजीशन को देखते हुए, ये भारत, जियाउल हक ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार की जिसके अंतर्गत पाकिस्तान को मिनिमम फोर्स का यूज करना पड़ेगा, मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करना पड़ेगा और मैक्सिमम रिजल्ट जो है अगेंस्ट इंडिया प्राप्त किए जा सकते हैं। इट्स बेसिकली अ वॉर ऑफ अट्रिशन, और लेकिन वो जो रिजल्ट्स हैं वो टेररिज्म के थ्रू ही आ सकते हैं, आतंकवाद के थ्रू। इसके अलावा नहीं, जैसे अभी पंकज जी ने बताया था कि जो ट्रेनिंग कैंप है, जो टेरेन पीओ के, हम उसको जो है पीओ के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और उस एरिया में जो भी ट्रेनिंग कैंप है, वो जो टेरेन है वो बिल्कुल हमारे वैली के, या जो हमारे इधर वैली के इस साइड में डोडा या अपना राजौरी और पुंछ एरिया है, बिल्कुल उसी तरह है। और उसी एरिया में ट्रेन किए हुए मिलिटेंट्स या टेररिस्ट हैं, उनको वो जो है, अफगानिस्तान की भी टेरेन ऐसी ही है, तो पाकिस्तान को अपनी जो है स्टेटस बनाने के लिए वो ट्रेनिंग कैंप, चाहे वो अफगानिस्तान के लिए करे या हिंदुस्तान के लिए करे, उसको कोई शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। और वो जगह ऐसी बफर सी जगह बना दी है जिसमें कि बाहरी जो है इन्फ्लुएंस बहुत कम है। हमारा इन्फ्लुएंस है क्योंकि हमारे, हम डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसलिए हमारे को पता है कि वहां पे 49 ट्रेनिंग कैंप है, परंतु सरकार के ऊपर वो निर्भर है कि उनको जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए अभी तक हमारे को क्यों नहीं हुक्म दिया है, नहीं तो हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम, पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर कहता है, तो नेचुरली पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा एरिया है, फैक्चुअली तो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। हाँ जी। लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनली कश्मीर की आजादी की एक विचारधारा रखने के लिए वहां जो है उसको आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा साक्षी जी, ऐसा नहीं है कि इन कैंप्स में सिर्फ हम ये कहें कि भाई सिर्फ जो कश्मीरी यूथ है, मिसगाइडेड यूथ है, वो जा रहा है ट्रेनिंग लेने, ऐसा नहीं है। दीज कैंप्स आर टेरर ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर जिहादी मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ईरान, इराक, यमन, बहरीन, इजिप्ट, इवन फ्रॉम सऊदी अरेबिया, फ्रॉम वेयर ओसामा बिन लादेन हेल्ड, आई मीन यू नेम इट, एंड पीपल आर देयर फ्रॉम those countries in these camps. तो even आपका जब Guantanamo Bay में ये जो अपना टेररिस्ट जो थे यहाँ से शिप किए जाते थे, rather airlift किए जाते थे, मैं American administration दोबारा अफगानिस्तान में जब अमेरिका आया, वहां पे भी इतने टेररिस्ट ने कबूला है कि वहां ट्रेनिंग कैंप्स हैं, हम खुद वहां से ट्रेनिंग लेके आए हैं। अगर आपको याद हो लंदन ट्यूब, यानी लंदन जो अंडरग्राउंड है मेट्रो, वहां की बॉम्बिंग के भी जो टेररिस्ट थे, दे वर अल्टीमेटली ट्रेस्ड बैक टू दीज पाकिस्तानी ट्रेनिंग कैंप्स। जो 2008 में अपना इंडियन एम्बेसी बॉम्बिंग हुआ था अफगानिस्तान में, अगर हम कहते हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनके क्या सुनना, और कहें तो मानेंगे, इवन अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कबूला है सर, अफगान इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, दे हैव corroborated it through solid proofs कि ISI was behind those attacks. मुख्य केंद्र टेररिज्म का मुख्य केंद्र हकानी नेटवर्क वाज यूज्ड, बेसिकली हकानी नेटवर्क वाज यूज्ड। तो मतलब ये सारे ट्रेनिंग कैंप्स हैं और ये सारे मतलब जितने भी आतंकवाद के काम हैं उसमें हुए जाते हैं। इसके बाद हम मदरसा की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले मदरसा है क्या? नहीं साक्षी जी, उसके अलावा मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आप बड़े बड़े कोई भी इंसिडेंट्स कर्नल साहब उठा लें देश में, 1993 का जो बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम आया था, वॉज ही नॉट सपोर्टेड बाई ISI? ही वॉज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप 2001 पार्लियामेंट अटैक लें, दिसंबर वाला था, लश्करे तोयबा का सीधे तौर पे नाम आया था, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि भारत में जितना भी उग्रवाद हो रहा है उसमें ISI या पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का हाथ डेफिनेटली होगा, उसमें कोई शक नहीं है।
और ये चीज हमेशा प्रूव भी हुई है जी। जो 9/11 अगर वो देखा जाए उसमें क्योंकि दे आर फाइटिंग ए वार विद इंडिया जी, वो भारत के साथ एक युद्ध चला रहे हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया आतंकवाद का उन्होंने एक रास्ता बना रखा है। नहीं, वॉर जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए कह रहे हैं, परंतु वो जितना भी आतंकवाद के ब्रीडिंग जो है प्लेस जो है पाकिस्तान है, क्योंकि बाकी जितनी भी मुस्लिम स्टेट है जहां पर जो है उनकी जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वो जितनी भी ट्रेनिंग और जितनी भी है एडवाइस जो है पाकिस्तान से लेते हैं, और जो आईएसआई है इनका जितना भी फंडिंग है, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग से है, आर्म्स ट्रैफिकिंग से है, उनका जो बजट जो है पाकिस्तान बजट से ज्यादा है। इसीलिए जो है जिस टाइम पर भी प्राइम मिनिस्टर या जो भी उनकी ये पार्लियामेंट को जिस टाइम पर भी अगर शिफ्ट करना चाहे तो आईएसआई जो है एक दिन लेगी और जो है गवर्नमेंट जो है मिलिट्री गवर्नमेंट, इट इज अ इन अ वे स्टेट विद इन अ स्टेट। आईएसआई एंड द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैव ऑलवेज बीन सो स्ट्रांग इन पाकिस्तान, दैट इज द मेन रीजन व्हाई दे कैन नॉट डाइजेस्ट अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट रूलिंग द रूस्ट इन पाकिस्तान। दे वॉन्ट एवरीथिंग अंडर देयर कंट्रोल, एंड बिलीव यू मी एंड आई थिंक प्रोफेसर साहब विल अग्री विद मी देयर के they will always keep this pot boiling। कश्मीर इशू जी, अगर जिस दिन ये कश्मीर का मसला ही सुलझ गया, ये इशू ही खत्म हो गया, पाकिस्तान आर्मी आर्म्ड फोर्सेस एंड माइंड यू दे आर द लेटेस्ट ऑफ पाकिस्तान सोशली ऑल्सो, दे विल लूज देयर वैल्यू। हाँ, समवेयर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में पंकज साहब ने ठीक कहा कि आर्मी जो है अपना प्रभाव रखने के लिए, आर्मी अपना महत्व बनाए रखने के लिए डेफिनेटली मसले को हल ही नहीं होने देना चाहिए, हल नहीं होने देना चाहिए। और दूसरे ये टेररिस्ट किस लिए या कामयाब हो रहे हैं कि जिस टाइम पर हमारा जो है अभी 97 तक जो ये अपना LOC है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था कि कभी जाओ कभी आओ, कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। और जिस टाइम पे मैं 97 में वहां पर गया तो करना जो तहसील से मतलब पूरे के पूरे 10 बच्चे चले गए, 15 बच्चे चले गए, वो सारे के सारे ट्रेनिंग लेने जाते थे। सिर्फ हमारे को ये बॉर्डर पोस्ट से मिलता था वो जो हमारे जो रिपोर्ट आती थी कि आज 10 आदमी चले गए, आज 20 आदमी बच्चे चले गए, जो कि वहां से ट्रेनिंग करके वापस आते थे। वापस आते वक्त भी हम उनको नहीं चेक कर सकते थे क्योंकि वो बिना हथियार के आते, हथियार के लिए सप्लाई के लिए उनका जो दूसरे रूट्स थे। और अभी भी जो 87 और 90 में जब ये शुरू हुआ था, अभी भी जो है असला दबा हुआ अभी तक मिल रहा है, जो कि उस टाइम पे क्योंकि बॉर्डर बिल्कुल क्लियर था कि आप अपना पीठ पे कुछ लाद के चले जाओ। उस टाइम पे हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं था कि भाई ये क्या लेके जा रहा है। ठीक है, जिस टाइम पे 87 और 90 में जब ये ज्यादा शुरू हुआ तो उस टाइम पे हमने बॉर्डर को थोड़ा सा सील करना शुरू किया, और उसके बाद जो है ये बॉर्डर फेंसिंग शुरू हुई। हाँ जी, अदरवाइज उससे पहले जो था वो ऐसे था कि जैसे रोहतक से दिल्ली चले गए, दिल्ली से रोहतक, सुरक्षा के लिहाज में भी बहुत ज्यादा कमी थी, जो ये कारण था। इसके बाद में हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है तो मैं जल्दी से आगे के इश्यूज को उठाना चाहूंगी। मैं मदरसा की बात कर रही थी तो आखिर मदरसा क्या है, क्या मतलब उसको भी हम लेकर चलते हैं कि स्कूल्स हैं या जो भी है वो भी आतंकवाद में हमेशा साथ देते हैं, तो मदरसा आके क्या है? साक्षी जी, इसमें मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूंगा। मदरसाज एक्चुअली जो हैं दीज आर रिलीजियस स्कूल्स जी, इन अ मुस्लिम सोशल सेटअप जी, धार्मिक स्कूल है, विद्यालय है जी। तो आई गॉट सम फैक्ट्स एंड फिगर्स और आप सुन के हैरान हो जाएंगे। मैं सिर्फ कर्नल साहब तीन शहरों की बात करता हूँ पाकिस्तान में। जो मेरे पास फिगर्स हैं, रहीमयार खान एक शहर है, उसमें 218 मदरसे हैं जिसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 35,395। डेरा गनी खान में 185 मदरसे हैं, कितना स्टूडेंट एनरोलमेंट है, 20,780। राजनपुरा में 105 मदरसे हैं, 8,502 इसमें स्टूडेंट एनरोलमेंट है। ये इनकी पाकिस्तान के अपने इंटीरियर मिनिस्टर्स की दी हुई फिगर्स हैं। आपने कहा कि ये धार्मिक स्कूल है, लेकिन इसको फिर आतंकवाद के साथ कैसे रिलेट? यहाँ पे टेररिज्म को ब्रीड किया जाता है एक तरह से, मतलब जो हमारा बनाया जाता है। एग्जैक्टली, जो हम मैं ये नहीं कहता सभी मदरसे ऐसे हैं, बट अ लॉट ऑफ देम एंड इनफैक्ट मे बी द मेजोरिटी ऑफ देम आर सो। अब हमारे स्कूल में जो हमें फॉर्मल एजुकेशन मिलती है वहां ऐसा नहीं है, और ये
कहीं ना कहीं इस्लामिजाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी हैज स्टार्टेड राइट फ्रॉम लियाकत अली खान व्हेन ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस. व्हाट ही डिड वाज जमायत इस्लामी एक उस टाइम रिलीजियस ग्रुप खड़ा हुआ था पाकिस्तान में और प्रोसिक्यूशन शुरू कर दिया था उन्होंने तभी से अहमदीज का. दे वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम्स एंड इनफैक्ट जजमेंट और मतलब स्वीपिंग स्टेटमेंट वाज मेड बाय लियाकत अली खान के रमजान पे हर मुस्लिम को फास्ट रखना मैंडेटरी है. I mean, you cannot issue diktats on these kind of things, right? तो वहां से और इसमें अगर आप देखें क्वांटम जंप कब आता है वो जनरल जियाउल हक जब पावर में आए 1977 में और उन्होंने मतलब इतना ज्यादा इस्लामाइजेशन किया इतना ज्यादा जेहादी फैक्टर को उठा के इनफैक्ट द हिस्ट्री बुक्स ऑफ पाकिस्तान वो चेंज्ड ओवरनाइट. एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प कर दिया गया और जो इनके लोकल उसमें हम बोलते हैं जिहाद शहादत खास सबको ग्लोरीफाई किया जैसे पंकज जी ने जो बताया उसी में मैं ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में एक्चुअली जो हमारे भारत में इस्लाम कब आया मतलब जो है इस्लाम जो है मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट टाइम जो है भारत में इस क्षेत्र में इस्लाम लाया और उसके बाद से तो मीर कासिम से पहले का जो इतिहास है जिसमें भारतवर्ष का जो इतिहास है जो भारत की संस्कृति का इतिहास दैट वाज वाइप्ड ऑफ उस इतिहास को पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक से गायब कर दिया गया जी हां. और इस तरह से ये एक सोची समझी चाल थी तो एक तो ये हुआ कि पूरा जो पर्सपेक्टिव में नॉलेज नहीं दिया गया तो एक टेंडर माइंड एक जो बच्चा है वो उसको उससे वंचित रह गया उसके सामने ऑब्जेक्टिव नॉलेज नहीं आया और दूसरा ये है कि आप उसको रिलीजियस फंडामेंटल टाइप की जो है आप जो है उसको शिक्षा दे रहे हैं एक ही सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं और एक धर्म की शिक्षा आप दे रहे हैं बाकी चीजों से उसको वंचित कर रहे हैं. धर्म के सहायता से उन्हें आतंकवाद सिखाया जाएगा अगर हम दूसरे शब्दों में बात करते हैं. साक्षी जी मैं दूसरा मैं वो बताता हूं कि जो वैली में जब मैं था उस टाइम तक जो नमाज होती थी या मदरसा होता था वो जो है सो कॉल्ड वेस्ट पाकिस्तान का जो है टाइमिंग लेते थे. अच्छा. जो आधा घंटा जैसे अभी अगर हमारे पास 5:30 बजे हैं तो वहां पे 5 बजे है जी. तो जितनी भी शाम की नमाज होती थी सुबह पाकिस्तान के टाइम से चलता था. हाँ सारा का सारा वो जो है मदरसा में भी और मदरसा में जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जब टेंडर दिमाग में जो आप डाल दोगे कि हिंदू जो है वो जो है काफिर है या बदमाश है वो मदरसों में ही शुरू करते हैं. एक ऑफ द रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ जब मैं मेरठ में था तो देवबंद में मेरा जो ड्राइवर था वो था एक सुरेंद्र शर्मा. वो गाड़ी को लेके देवबंद के अंदर नहीं जाता था कहता कि मैं नहीं जा सकता. तो हमारे देश में ऐसा हाल हो रखा है. तो ये जो मदरसे हैं ये सारी की सारी जो है सिखलाई जो है मैं ये कहता हूं कि समझ में नहीं आता कि क्यों हिंदू हम तो इतने ओपन माइंडेड हैं और ये जो मदरसों में वहां पे अगर उनका जो हमने वहां किताबें वगैरह देखी या जो भी वो देखते हैं वो सारा का सारा हिंदुस्तान के खिलाफ के खिलाफ पढ़ाया जाता है कि इंडोक्ट्रिनेशन क्या है. कहते हैं कि जनरल जिया के टाइम में ही हेट्रेड टुवर्ड्स हिंदूज एंड ज्यूज वाज इन अ वे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड. और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि केम अप विद द फैक्ट एक्चुअली क्या है. सिर्फ नोबेल प्राइज विनर देयर हैज बीन ओनली वन पाकिस्तानी एंड दैट वाज डॉक्टर अब्दुल सलाम. ही वाज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट. ओके. ही वाज इन फैक्ट काइंड ऑफ अ फादर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम and because he was an Ahmadi Muslim, उसको डिक्लेयर कर दिया गया नॉन मुस्लिम एंड ही वॉज हंटेड आउट ऑफ पाकिस्तान लाइक अ डॉग एंड दैट पुअर गाय हैड टू गो एंड आई मीन एस्टैब्लिश हिमसेल्फ इन इटली. सो दिस हैज बीन द आई मीन टुडे आई थिंक द रेडिकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड अक्रॉस द बोर्ड. जी बिल्कुल बिल्कुल. ये हमने बात कर ली ट्रेनिंग कैंप्स की भी हमने मदरसों की भी बात कर ली. इसके बाद